उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधी रात को थाना नौचंदी क्षेत्र शास्त्री नगर में ताबड़तोड़ आतिशबाजी से गद्दे और पर्दों के गोदाम में भीषण आग लग गई। भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में रखा माल जलकर खाक हो गया। मौके पर दर्जनों फायर ब्रिगेड पहुंची, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया और आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और कई घंटों बाद जाकर आग पर काबू पाया गया और गोदाम में कई लाख का माल जलकर खाक हो गया। आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मौके पर कई थाने की फोर्स भी तैनात थी। आसपास के लोगों का कहना है कि इसी गोदाम में आग पटाखों की आतिशबाजी से ही लगी है। बाकी पुलिस जांच में जुटी है। ये घटना शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट की है। मेरठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेरे सूचना मिली फोन से और मैं पहुंचने ही वाला था मेरठ में, इसलिए मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। और तकरीबन कितने रुपए का नुकसान हुआ, इसके कारणों का पता चला? हाँ जी, आपको पता कैसे चला आपका? हाँ, सूचना की शादी लोगों की फोन नंबर था, सूचना दी मेरी फोन पर। कितने रुपए का नुकसान है? तकरीबन क्या कह सकते, माल तो काफी 20-25 लाख रुपए का माल। ये सेंटर मार्केट में हरिओम ट्रेडर्स होम का ये एक गोडाउन था जिसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर फोम के गद्दे वगैरह भरे हुए थे जिसमें ये आग थी। बोलो कितने फायर ब्रिगेड के? इसमें हम लोग को 4 फायर टेंडर आए हुए हैं और अब तो फिलहाल आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। कितनी मशक्कत के बाद इसमें करीब आधा घंटा लग गया था हम लोग को आग को पूरी तरह से काबू पाने। किसी का गोडाउन बताया जा रहा है, किसका गोडाउन है, क्या कारण रहे? ये अनिल गुगलानी जी का गोडाउन है ये, और इसमें फिलहाल तो अभी आग बुझाने का काम चल रहा है, आखिरी स्टेज पे है और बाकी जानकारी बाद में दी जाएगी।